नाम से अच्छा है दोस्तों। आध्यात्मिकता के मार्ग में वह धार्मिकता के मार्ग में तीसरा जो मुख्य लक्षण इस शरीर में प्रकट होता है, दिखाई देता है ध्यान योगी को व साधक को, वह होता है कि जब इस शरीर में उपस्थित ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर चलती है, तो इस पिंड वाले हिस्से को जब वह छोड़ती है, ब्रह्मांड वाले हिस्से में ऊपर जाती है, तो यहाँ गर्दन से ऊपर जब जाएगी तो यह गर्दन जिस रात या जिस दिन या जिस समय इस पिंड वाले हिस्से को छोड़ती है, तो उस समय आपकी गर्दन स्टिफनेस महसूस करेगी, यानी आप गर्दन को इधर और इधर घुमा नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी साधारणतः लोग जो सोते हैं, व्यक्ति उत्तकीय के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान साधना करते हुए, इबादत करते हुए, मन फिराने वाली प्रार्थना करते हुए, आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाते हुए, धार्मिकता के मार्ग को अपनाते हुए, यदि इस तरह की घटना घट रही है और इससे पहले के जो हमारे द्वारा बताए गए जो दो अन्य लक्षण हैं वह भी घट रहे हैं और तीसरा यह घटित होता है, तब आप समझ लीजिए कि हम सही मार्ग पर हैं। और इससे यहाँ से यानी पिंड से जब ब्रह्मांड में ऊर्जा पार करती है, तो ये कहावत संतों के द्वारा यह भी होती है कि सुई के नाके से, यानी जो सुई का छिद्र होता है उसके नाके से हाथी को पार कराना होता है। तो यह वही विधि है, वही स्टेप है कि सुई के नाके से हाथी को पार कराना होता है, यानी हमारी ऊर्जा व मन का जो क्षेत्र फैलाव है वह संसारिकता में इतना महान है कि हाथी से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है, और वह इस छोटे से नाके से यानी धार्मिकता की ओर उसको इकट्ठा करके पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है। तो वही होता है कि एक सुई के छिद्र में से हाथी को पार कराना होता है, और जब ऐसा होता है तो गर्दन टेढ़ी यानी गर्दन स्टिफनेस कठोर महसूस होती है, इधर और उधर नहीं होगी, यह 2-3 दिन तक होती है बस। 2-3 दिन के बाद जब इससे निकल करके त्रिकुटी में जाती है, तो वहाँ फिर यह गर्दन का जो स्टिफनेस है, कड़ापन है, यह नॉर्मल हो जाता है और एक रास्ता वहाँ पर बन जाता है। तो आइए इस ओर बढ़े, अपने ही धर्म के अनुसार आध्यात्मिकता को प्राप्त करें, धार्मिकता को प्राप्त करें। आप उपरोक्त कपड़ों के अनुसार, वेशभूषा के अनुसार, भाषा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कि हमारे पास ऐसी पवित्र पुस्तक है तो हम धार्मिक हैं, अंदर से यह घटना घटित करिए, यह लक्षण अपने शरीर के अंदर विकसित करिए, तब आप सही अर्थों में धार्मिक कहलाएंगे, आध्यात्मिक कहलाएंगे, ईश्वर अल्लाह परमेश्वर के मार्ग में आप अग्रसर होंगे, यानी उस मार्ग पर चलने वाले पथिक आप होंगे। तो आइए और बढ़े और अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहिब।